मियां सलू के मैदान से बिल्कुल ये उभरता हुआ कह रहे हैं सरमद मजनू बराम इस्लामाबाद पहला छक्का बजाने में कामयाब उमरी कैसे बॉलिंग करते हुए और इस बार बहुत ज्यादा खिला के अपने हाथों में और अब बात की जानब से कोई भी खबर नहीं है लेकिन उमरी पेसर जो है वो उनकी जानब से जोरदार अपील जो है वो जरूर की गई है लेकिन लगातार बात की जानब से किसी की तरफ तो बिल्कुल अपना दूसरा छक्का लगाने में यहाँ पर कामयाब जरूर हुए हैं सरमद मजनू बिल्कुल उमरी पेसर को 8 रन लगे हैं अभी तक उमरी पेसर साहब लाहौर दोनों स्टार किया यहाँ पर बॉलिंग करते हुए और चौकीला है फिजोबाद के पास है और एक ही रन बनने का मौका होगा यहाँ पर टीम इस्लामाबाद के लिए इनाम खपा और और इस वक्त सामना भी है आल पाकिस्तान खेलने वाले बाल अली सियाल टीम इस्लामाबाद की जान से पहला आउट करते हुए फिर से ओवर बॉल किया है और अलग की जान से लगा एक चार एक रन जो है वो अफसाई साल मुकम्मल होगा Thank you.
समझ नहीं आई उन्हें गेंद दिया था और दर्शकों की ना है सबाब बॉल किया है और फाइनल पर कितने मजबूत और काबिल बचना बाल चार रन जोड़ खिलाड़ी आसन मोटा भाई सामना हो दो बार की बात आता है तो अकेला है और इस जाम सती साफ़ेदार एक रन परिचित जाल मुकम्मल दो बार की गाला सेना पाए निसार पांच और कुछ नक्शों के प्रवेश चल रहे हैं उनकी गाला पे दो बार की गाला मजबूत है स्पीड सर प्रवेश करने बाद तीन तीन बॉली करते हुए सरदार हुसैन तो अकेला तब की गाला प्रॉपर करने साफ़ेदार और एक ही रन बनाने का मौका होगा या पांच गेंदों के बाद आठ गेंदों में 45 रन बाकी यानी कि सात छक्के तो काफी चाहिए शॉट खेला है और तारी पिंडी का फील्डर ने खेला अभी तीन इस बार को फील्ड किया रन की बात एक रन का जा पंद्रह का दूर हुआ अब सात गेंदों में 41 रन कर दी सात सात रन के बाद को सेना पाकिस्तान को जा के ले फिर गुजरात अपने पूरे पैनल से अपना ग्राउंड पर चुके हैं आपको इसका मनीष कहते हैं वेलकम कर दिया साफ़ पाकिस्तान सजा पुलिस से बिल्कुल ग्राउंड में पहुंच के हम आपको सामने चाहते हैं और फल तक कहते हैं अभी सबन अखबारी एक्सीडेंट बारी का ऐसा दर्शन कर करवा